जब औरत लड़की जब औरत बनती है तब उसका मैरिज होना, मैरिज के लिए वो रेडी है। ठीक कुरान है में सर, दिखा दे, ये आयत दिखा दे, इस बात इस बात इस बात कुरान में लिखा है, सर आयत दिखा दे इस बात मेरे को, कुरान में है, कुरान में है। मैं दिखा दे आयत नंबर, सूरा नंबर, आयत नंबर मैं खोलता हूँ। नहीं, सूरह याद नहीं आ रहा, कुरान में तो इस नहीं नहीं तरह नहीं से है सर, ऐसे बात कि नहीं हो सकती। नो 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 नो, नहीं, कुरान में हजरत ये है, हजरत नहीं, माजरत के कुरान में साथ, ये है। हाँ हजरत माजरत के साथ, बोलिए बहुत माजरत, बहुत बोलिए, ज्यादा माजरत के साथ, आप टाइम लें हाँ कि नो और प्रॉब्लम, निकाल लें। नो मैं आप यहाँ पे म्यूट करें, प्रॉब्लम, टाइम लें और निकाल लें, उतनी देर में हम दूसरी बातें कर लेते हैं, ठीक हो गया? क्योंकि आपने कहा, नहीं देखें आपने मुझे कहा कि सूरह कुरान याद में नहीं है, आ रहा है, बट कुरान में तो है, कुरान में है, मेरे भाई कुरान में मैं है, आपके साथ, जब औरत, जब मेरे भाई मैं लड़की आपसे माजरत करता मेंस्ट्रुएशन हूँ, होती। मैं आपसे माजरत करता हूँ, मैं आपको माजरत करता हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप जानते हैं ना, आप जानते हैं ना कुरान मैं आपको को, कह रहा हूँ कि आप झूठ बोलते हैं, ऐसी आयत मैं नहीं नहीं बोल है। रहा हूँ, हाँ जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ दिखा दें। कुरान में आप लिखा है म्यूट कि करें, आप म्यूट करें और दिखाएं, आप म्यूट करें और सर्च करें कुरान को, जब आप दिखा सकेंगे तब दिखा दीजिएगा। मैं हम यहाँ पर बात को यहीं पे रोकते हैं, आगे ही नहीं चलेंगे। आप अपना माइक म्यूट करें और कुरान सर्च करें। ओके नो प्रॉब्लम, ओके, ऐसा बेहतरीन, करते हैं, आप नो चेक करें, प्रॉब्लम, परफेक्ट, हाँ आप चेक करें, उसके कुरान बाद में हम लिखा मजीद है, आगे कुरान चलेंगे में तो सर। नहीं है। नहीं नहीं बोलेंगे नहीं ना ना, ओके जब ओके तक आप आयत, सूरत और आयत नहीं निकालेंगे आप बोलेंगे नहीं इस बारे में। किसी और बारे में बात करनी है कर लें, इस बारे में तब तक नहीं बोलेंगे जब तक वो सूरत और आयत नहीं निकालेंगे आप। अच्छा अच्छा एक एक मिनट था एडम, मास्टर जी देखिए, मैंने आपको शुरुआत में इसके लिए पूछा था कि आप जब कोई बात करने वाले होंगे तो आपको उसको दलील के साथ आपको पेश करना है, वरना आपकी बात की कोई हैसियत नहीं। आप बोलोगे कि इधर लिखा है, ऐसा हो सकता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। जिस तरीके से नहीं, एडम हो जो है, सकता है, तो नहीं हो सकता है, नहीं मैं मुंह जबानी कुरान नहीं जानता हूँ, मगर आराम तो आप जानते हैं ना, उसको, वो तो बोल सकते हैं, कुरान में है, कुरान में मास्टर है। जी आप सर वो मैं, जो आयत आप जो बोल रहे हो ना कि इस तरीके की आयत है, तो वो आप लेके आ जाइए, तब हम मानेंगे ना। हमको तो पता नहीं है ऐसी कौन ओके सी ओके आयत है, तो आपको मैं, आप ओके 5 मिनट का वक्त ले लीजिए, आप उसको ढूंढ के आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए, मसला ही खत्म हो जाएगा, ओके क्या ओके, प्रॉब्लम है? ओल ढूंढ गया, ओल ढूंढ गया। आपके ढूंढ लीजिए मुताबिक अडॉप्टेड सन के डॉटर से मैरिज करना गलत क्यों है? एक सेकंड, अब हम एज ऑफ मैरिज से हट गए, पॉइंट नंबर 2 आ गया आपका। हाँ पॉइंट जी नंबर 2 हमारे, ओके ओके परफेक्ट, ओके जी। सो एज ऑफ मैरिज आपने अभी तक नहीं दिखाया कुरान से, आप बाद में दिखाएंगे, फेयर इनफ। हाँ अच्छा, अब आता आप हूँ, कह आता रहे हूँ, हैं वापस मुझे, जाता हूँ आपको। ठीक है, अब आप मुझे कह रहे हैं कि अडॉप्टेड सन के किससे मैरिज करना, या अडॉप्टेड डॉटर से मैरिज करना नहीं, अलाउड, अडॉप्टेड सन, सन की वाइफ से। अडॉप्टेड सन की वाइफ से हाँ मैरिज करना गलत क्यों है? हाँ ओके, मैंने, आप अज्यूम करें कि मैंने एक बच्चा अडॉप्ट किया, मैंने उसे पाला पोसा, मैं उसे बेटा कह रहा हूँ, फिर मैंने उसकी शादी करवाई किसी औरत के साथ। अब वो औरत को मैं अपनी बेटी कह रहा हूँ, बेटी ही कहूंगा ना उसको, बीवी तो नहीं कहूंगा। अडॉप्शन ही नहीं है ना इस्लाम में, अडॉप्ट, अडॉप्शन ही नहीं है, अडॉप्शन ही तरुत नहीं है, साहब तो एक सेकंड अडॉप्शन रुक कैसे जाए, कर लेंगे? तरुत साहब एक सेकंड रुक जाए, अभी रुक जाए, अभी तक अडॉप्शन है इस्लाम में, क्योंकि अभी तक मोहम्मद ने अपना बेटा रखा हुआ, उसको जैद बिन मोहम्मद उसे कहा जाता था, जैद बिन मोहम्मद को मोहम्मद ने रखा हुआ था बेटे के तौर पे, बेटा कहता था उसकी, उसने शादी करवाई, बीवी को उसकी बेटी कहता था। तो अभी हम मोहम्मद के पास बैठे हुए हैं, ठीक है। यस अब यस राइट मैं राइट एग्जाम्पल अपने ऊपर ले रहा था इस वजह से, ताकि जो है आपको अच्छा लगे, आपको बुरा ना लगे, लेकिन आपने वन सेकंड मुझे दोबारा ना मोहम्मद तक पहुंचा दिया, अब मुझे मोहम्मद तक रहने दें। अब उसके बाद ये नो हुआ प्रॉब्लम, कि मोहम्मद गया जैद के घर, जिस दिन जैद मौजूद नहीं था, उसने जैद की बीवी को ये देखा। हदीस आप जो बता हदीस, रहे हैं मैं वो हदीस बता ही हदीस, रहा, और आप मैं बता नरेशन ही नहीं वो रहा, रंग है, वो रंग है, मैं हदीस वो बता ही आप जो रहा, नरेशन बोलते हैं ना, रंग है वो, और आप जो साइंसदान बोल एक रहे हैं सेकंड रुके, वो, नहीं, आप जो बता आपने रहे हैं मुझे वो सवाल हदीस, किया आप मुझे जो जवाब नरेशन देने दे दें, रहे हैं, नहीं, एक आप जो मिनट नरेशन, नहीं, आप एक नरेशन मिनट गलत मत मास्टर लेना। जी, नहीं, मास्टर जी, साहिल भाई देख रहे मास्टर ना, यहाँ जी, पे नरेशन गलत बोल रहे हैं ना, वो हाँ तो गलत आप नरेशन अपने कैसे दे वक्त सकते पे, हैं? आप अपने गलत वक्त नरेशन पे वो, देंगे, गलत इंप्रेशन जी जमेगा ना। अरे अगर आप मास्टर बोल रहे जी, हैं कि हम मास्टर गए जी और नेकेड देख लिए, मैंने तो नहीं कहा मैं नेकेड, हूँ, मैंने एक मिनट मास्टर जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो जब अपनी दलील रख देंगे, पेश कर देंगे, अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप अपने वक्त में उसको काउंटर करिए, उनको बोलने तो दीजिए। अगर आप क्रॉस टॉक करोगे तो किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। हमारे साथ एक असलम करके भी एक मुस्लिम व्यूअर जो है वो स्टूडियो में मौजूद है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर मुस्लिम है तो जुड़े रहे मास्टर जी के बाद, हम आपको मौका देंगे। शाहिद भाई भी मौजूद है, तो मास्टर जी पहले उनको बता देने दीजिए, उसके बाद आप उसका काउंटर करिए कि आपने ओके ये गलत हवाला दिया है, ठीक है? तो 2 मिनट के लिए आप रुक जाइए एडम, उसकी जो मास्टर जी ने पूछा है आप उसकी दलील दीजिए, फिर मैं इनको वक्त देता हूँ। जी, तो उन्होंने, मोहम्मद साहब ने उनकी बीवी को देखा उनके घर, जैद के घर, जिस वक्त उसके घर देखा, हम मान लेते हैं, मैंने पहले भी अपनी बात में बोला था, जब ये मैंने पहले बोला था तब भी मैंने बोला था, मैंने कहा चंद अहदीस, चंद रेफरेंसेस में आता है कि कम कपड़ों में देखा, लेकिन मेजोरिटी में नहीं आता कम कपड़ों, ये मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी। तो वंस अगेन, उसको देखा, यहां तक आप ठीक है, ये तो आप, ये यहां पे गलती नहीं है, यहां पे कुछ गलती नहीं है। उसको देखा, मोहम्मद ने बोला, ओ अल्लाह जो दिलों के हाल बदलने वाला है तू, तो उस औरत ने सुना, इतना ऊंची बोला तो उस औरत ने सुना, उस औरत ने ये बात अपने खावन को की, खावन ने मोहम्मद के पास आगे कहा कि तू मेरी बीवी ले ले, मैं इसे तलाक दे देता हूं। अब कुरान की आयत आ रही है, उसके बाद आ रही है, इस सारे इंसिडेंट के बाद आ रही है, इससे पहले नहीं आई।
अगर तो एडॉप्शन एब्रोगेट हो गई होती इस तमाम इंसिडेंट से पहले तो मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन ये एडॉप्शन इस तमाम इंसिडेंट के बाद एब्रोगेट हो रही है, इससे पहले एब्रोगेट नहीं हो रही। आपने मुझसे सवाल किया था, उसका जवाब ये है। माइक इज योर्स। ठीक है सर, अभी जो आपने नरेशन बताया है वो नरेशन गलत है, क्योंकि वो आप जो बता रहे हैं जैन बिन हारिसा के और वाइफ जो है वो कजिन है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कजिन है वो, तो कजिन है तो वो जब से पैदा हुए तब से देखे होंगे ना उन्हें, उनके साथ पले बड़े होंगे, उनसे खेले कूदे होंगे, तब तो उन्हें अट्रैक्शन नहीं होगी, नहीं हो गया। उन्होंने जैन बिन हारिसा से शादी करवा दिया और वो इंटरनेशनली शादी करवा के फिर से वो उनसे शादी करना चाह रहे थे, ये बताना चाह रहे हैं। बोलिए मास्टर जी। हाँ, अभी अब जब वो जवाब देंगे ना तो बीच में मत बोलिएगा प्लीज। नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है। एडम जी बोलिए। जी भाई जन, तो भाई जन जो मैंने रेफरेंस प्रेजेंट किए ये आपके मुख्तलिफ तफसीरों के अंदर लिखे हुए हैं, कुर्तुबी के अंदर लिखे हुए हैं, तिबरी के अंदर लिखे हुए हैं, जलालाइन के अंदर लिखे हुए हैं, अपने पास से नहीं मैं बोल रहा, जो उनसे रेफरेंस कहेंगे मैं खोल के दिखा दूंगा आपको। अब मास्टर जी जो बोल रहे हैं मुझे इन इन स्कॉलर जिनके मैंने नाम लिए हैं, तिबरी, कुर्तुबी, जलालाइन, तीन मेजर स्कॉलर्स के नाम दे रहा हूं मैं, इन सारों को खुटे लाइन लगा दें, इनको आग में डाल दें तो ठीक है, कोई मसला नहीं मुझे। मैं मास्टर जी का रेफरेंस, अब मास्टर जी जो रेफरेंस कोट कर रहे हैं जरा वो मुझे वो भी कोट कर दें कि फिर ये आयत कैसे आई और ये इंसिडेंट कैसे हुआ, वो किस स्कॉलर के रेफरेंस से ले रहे हैं जरा वो दे दें, मैं वो खोल लेता हूं। मैं बाकी मैं कुर्तुबी, तिबरी और जलालाइन तीनों को भाड़ में फेंक देता हूं, जहन्नम हासिल करते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप इब्ने तैमिया पढ़ेंगे तो आपको इब्ने तैमिया का लिंक दें, अभी खोलते हैं इब्ने तैमिया, हां अभी खोलते हैं, लिख दें अभी खोलें, इब्ने तैमिया की किताबें ओपन कीजिए, मैं ओपन नहीं कर सकता ना मेरे घर से। सर आप लिंक भेजें, ओके सर प्राइवेट चैट में लिंक भेजें, अभी खोलते हैं। नहीं आ सकता ना, मैं बाहर चला जाऊंगा, आप बोल सकते हैं आपके पास है, मेरे सर मेरे सर देखिए जो रेफरेंस मैं सर देखिए जो रेफरेंस मैं प्रेजेंट करूंगा ना मैं वो रेफरेंस नहीं पेश करूंगा, मगर आप जो रेफरेंस आपने प्रेजेंट करना है ना वो वाली बुक, वो वाला पेज, वो वाला सारा कुछ आपने मुझे देना है, प्लीज दें। ओके अभी मैं नहीं दे सकता हूं, मैं फोन पे हूं। तो जब आप बता सकते हैं किताब का नाम और पेज नंबर बताइए, किताब का नाम और पेज नंबर बताइए, मैं यहाँ सर्च करने की कोशिश कर रहा हूं। आपके लिए वर्क है, इब्ने तैमिया किताब पढ़ेंगे तो आप नहीं वर्क नहीं सकते आप समझ सकते सर। एक सेकंड यहां पे रुक जाओ एडम जी, एक मिनट रुक जाओ। अपने आप जो बता रहे हैं वो जो उन लोगों का तफसीर जो है गलत में है, फुल गलत है मास्टर जी, उनके लिए कोई मायने रखता उनको मास्टर जी, मास्टर जी मेरी बात सुनिए। आप देखिए, आप जब कोई चीज की बात यानी आप कोई चीज क्लेम करते हैं ना तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके जिम्मे है कि उसकी दलील आप दे, ठीक है। आपने इब्ने तैमिया की बात की, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इब्ने तैमिया की कौन सी किताब का कौन सा वॉल्यूम कौन सा पेज में आप क्या बताना चाह रहे हैं, जब तक आप वो दलील नहीं दोगे तो हम कैसे उसको आपकी दलील मानेंगे या वो हमें समझ में कैसे आएगी। आप सिर्फ इन जनरल आप नाम ले लोगे इब्ने तैमिया, इब्ने तैमिया ने तो कई सारी किताबें लिखी है, तो आप किसके बारे में रिफर कर रहे हो, वो कुछ तो दलील दे। इसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये कहा था मास्टर जी कि आप अपने ऊपर जिम्मा लेने के बजाय आप कोई अपने आलिम को पकड़ के लेके आइए जो दलीलें दें। मुझे पता है कि आपकी उतनी सलाहियत नहीं है, आप नहीं ला सकते, आप नहीं शो कर सकते, आपको किताब का उनके नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन आप आते हैं, चलो अच्छी बातें आते हैं, लेकिन कम से कम कुछ प्रिपेयर तो करके आइए ना। अब इतने देर से एडम जो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे, कोई एक टॉपिक पकड़ के आप जब तक जो है उसकी दलीलें पेश कर देते यानी ढूंढ के रखते कि इस किताब से मैं एडम की इस बात को मैं रद्द करूंगा, आपने वो भी नहीं किया है।